भी खर्चा हो इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा हो। प्रिंटेड स्टिकर है, मतलब ओरिजिनल जो एजेंसी से लिए हुए स्टिकर हैं जी। इसमें 60-55 का प्रॉपर सामान खरीद के सारा लगाया गया, इसलिए फिटिंग इतनी परफेक्ट। पूरी वायरिंग इसमें ये वाली आती नहीं है, ये सब खुद बना करके लगाई गई है, ये ओरिजिनल की फुल गारंटी रहती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो यूपी और उत्तराखंड के भाइयों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। बहुत भाइयों की डिमांड थी कि भैया ट्रैक्टर मॉडिफाई कराने के लिए हमें पंजाब जाना पड़ता है और पंजाब में बेटिंग भी ज़्यादा होती है, तो अब यूपी उत्तराखंड वालों को ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन कराने के लिए पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आज मैं खड़ा हुआ हूँ सितारगंज में। सितारगंज जो है मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए जिन्होंने ट्रैक्टर मॉडिफाई किया, एक बार इनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आप जो सामने से दर्शक भाई आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय हो जाए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी किसान भाइयों, हमारा नाम है अंग्रेज सिंह। अच्छा। हमारी सितारगंज मंडी के सामने शॉप है, अमरिया रोड पे। अच्छा। अमरिया चौराहे पर ही। ठीक है जी। तो ये जो ट्रैक्टर है, पहले एक बार बताओ ट्रैक्टर मॉडल कितना है ये? ये सर जी 1997 मॉडल ट्रैक्टर है। 97 मॉडल है जी। 97 मॉडल है। देखने में तो ये लग रहा है कि अभी एजेंसी से बिल्कुल आया 2024 मॉडल है। इसका काम पूरी तसल्ली से हुआ है, सारा काम ओरिजिनल हुआ है इसमें। अच्छा जी। ठीक है जी। तो 97 मॉडल को 2024 मॉडल बना दिया जी। अच्छा, ये फोर्ड था या फार्म ट्रक था? ये फार्म ट्रक 50 ही है जी। फार्म ट्रक 50 है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला अपना जो सितारगंज है जी, इसे मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है जी, तो क्या बाकी मिनी पंजाब है? जी है जी, पंजाब ही समझ लो जी। पंजाब वाला सभी पीछे से यहाँ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा जी। अच्छा, जो मॉडिफिकेशन पंजाब में होता है वो यहाँ हो जाएगा जी? जो पंजाब में होता है वो यहाँ हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा जल्दी पंजाब से भी हम ट्रैक्टर यहाँ मंगवाएंगे। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है जी, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें अपने ऊपर नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ फार्म ट्रक था जी। अब मान लो किसी के पास पुराना ट्रैक्टर, बहुत से ट्रैक्टर हैं, फार्म ट्रक हो गया, और भी ट्रैक्टर हैं, स्वराज हो गया, महिंद्रा हो गया, आइसर हो गया। आपको पता है ट्रैक्टर से किसान का बहुत ज़्यादा लगाव होता जी, है जी, जी, जी। किसान का कमाऊ पुत्र होता है ट्रैक्टर जी, 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 जी। है ना, तो आदमी पुराने ट्रैक्टर को बेचना नहीं चाहता जी। तो सभी प्रकार के ट्रैक्टर मॉडिफाई हो जाएंगे? सभी ट्रैक्टर हो जाएंगे जी। अभी जो यंत्र चल रहे हैं पहले यंत्र नहीं थे जी, तो क्या जो 2024 में यंत्र चल रहे हैं सभी यंत्र चला देगा ट्रैक्टर? सभी कुछ चलाएगा जी। पुराने ट्रैक्टर में नई जान डाल दी आपने? जी पुराने ट्रैक्टर में नई जान डाल दी। अच्छा जी, आप चेक कर सकते हैं इसको, हमने तो चेक कराई, आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ शौक के लिए तो मॉडिफाई नहीं किया है? नहीं जी, इससे 45 एकड़ की खेती होगी जी। 45 एकड़ जी? 45 एकड़ की खेती होगी। अच्छा जी। एक बार किसान के बारे में थोड़ा बताओ, किसान कहाँ से हैं ट्रैक्टर से? ये हमारे भाई साहब बिलसंडा से हैं। अच्छा। इन्होंने हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। अच्छा। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये भाई साहब हमसे मिलने आए। अच्छा। तो इन्होंने बातचीत करी, इनको ठीक लगा हमारा काम, तो फिर ये हमारे पास ट्रैक्टर छोड़ गए थे। बिल्कुल। ये जो ट्रैक्टर है भैया, तो ये 47 HP होता है जी, तो पावर बढ़ाई है फिर? सेम ओरिजिनल रखा है ट्रैक्टर? इसको ओरिजिनल रखा है, लेकिन अगर इसकी पावर बढ़ानी हो तो हम पावर बढ़ा सकते हैं इसकी। अच्छा जी। पंप भी चेंज हो जाएगा? पंप भी इसका तो हमने पंप चेंज करा ही है। अच्छा। इसमें गवर्नर पंप था पहले, दूसरा वाला। अच्छा। इसको चेंज करके डायफ्राम लगा दिया है, कि कस्टमर का कहना यह था कि वो वाले पंप पे ट्रैक्टर दबता है। अच्छा। वो कह रहे हैं हमें तेल की खपत से मतलब नहीं, इसका पंप चेंज करो, कि इसमें हम जो मर्जी इसमें डालें, 9 की हैरो भी हम इससे खिंचवाएंगे। अच्छा जी। तो अभी आपने इसमें पावर स्टीयरिंग कर दिया? जी पावर स्टीयरिंग कराया जी। अच्छा जी, पावर स्टीयरिंग कराया इसमें। पावर स्टीयरिंग हमने डबल जैक वाला हिस्सा लगाया है 60-55 का। अच्छा। सिंगल जैक पे नहीं कराया, लोग सिंगल जैक पे करते हैं, डबल जैक पे कराया हमने इसको। अच्छा जी। 60-55 का हिस्सा क्यों लगा दिया आपने इतना हैवी? सर जी, कस्टमर की डिमांड थी कि हमें ट्रैक्टर में कभी भी कोई शिकायत ना आए। अब इसकी जितनी जैसे नए की गारंटी होती है उतनी गारंटी हो गई इसकी। अच्छा। टायर नहीं चाटेगा, बबलिंग नहीं मारेगा। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो रिम आपने नए डाले हैं इसमें? जी रिम नए डाले हैं। अच्छा, आगे जो टायर 750-16 के हैं? जी 750-16 के, पहले छोटे थे इसलिए हमने इसके चेंज कर दिए हैं, कि वो अब ट्रैक्टर आगे से ऊंचा भी लग रहा है। अच्छा जी, देखने में लग रहा है ट्रैक्टर खड़ा है, लग रहा है आप। ठीक है। कितने केजी का होगा ये? सर जी 70-75 किलो का बम्पर है जी। अच्छा, आजकल इसका ट्रेंड भी चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये मिल जाएगा अपने पास में? हाँ जी मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में जितने भी आपने पार्ट्स लगाए हैं जी, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं? जी सब कुछ मिल जाता है जी। सभी जेन्युइन पार्ट है? सभी जेन्युइन पार्ट है, फार्म ट्रक का सब कुछ लग रहा है इसमें, सब कुछ। अच्छा। मिल जाता है मार्केट। ऐसा से तो नहीं है कि सस्ते के चक्कर में लोकल पार्ट लगा दिया हो? बाबू जी एक भी चीज इसमें लोकल की नहीं, आप चेक कर सकते हो, हमने ये चीज जो इसकी ये भी हमने ओरिजिनल लगाई है, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ई टॉप की है जी, सब कुछ ओरिजिनल लगा है जी। बिल्कुल। बात करते हैं इसकी लाइटों के बारे में जी। ये जो लाइटें हैं जी, ये लाइटें आपने सिंपली इसमें क्यों लगाई हैं सर? ये जी फार्म ट्रक 50 में लाइटें यही आती थी, तो कस्टमर ने कहा कि मेरे को एज इट इज बनाना ही, शो इसकी ऐसी रखनी जैसा ओरिजिनल आता था। अच्छा जी। बाकी हिस्सा इसलिए चेंज कर दिया कि वो वाला हिस्सा कामयाब नहीं है। अच्छा। उसको हम पावर स्टीयरिंग करते तो फिर ये टायर चाटने से नहीं हटता है। अच्छा। डबल लगाने से यह है कि अब ये ना इसकी लाइन आउट होगी ना कोई दिक्कत आएगी इसमें, कितना भगा बबलिंग भी नहीं मारेगा।
ये आपने क्या लिखा है सर? ये सर उनका, हमने जिनका ट्रैक्टर है उनका सरनेम लिखा है। अच्छा। इसका ट्रेंड चल रहा है आजकल, हर ट्रैक्टर में लिखवा रहे हैं लोग अपना सरनेम लिखवा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर फार्म ट्रक या फोर्ड जिस भी ब्रांड का नाम होता है ट्रैक्टर का। अच्छा। उसको हटा करके यहाँ पर उनका सरनेम लिखा है। इसमें इस समय जो लाइट जल रही है, ये पार्किंग के साथ लाइट का कनेक्शन कर दिया गया है। पार्किंग बंद करेंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपका फार्म ट्रक था। अब मान लो किसी के पास, जैसे मैंने बोला कि पुराने पुराने ट्रैक्टर बहुत है, किसान बेचना नहीं चाहता है, तो सभी ट्रैक्टर पावर शेयरिंग हो जाएंगे? जी, सभी ट्रैक्टर हो जाएंगे। हमने स्कॉट भी करा है। अच्छा। 3511 भी करा है। अच्छा। सभी ट्रैक्टर हो जाते हैं पावर शेयरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके पेंट के बारे में। जी, ये जो पेंट है, कौन सा पेंट किया है आपने? ये 2K पेंट करा है सर। 2K पेंट करा है। 2K पेंट। अच्छा, बिल्कुल। तो पेंट जो आपने किया था, तो पेंट पहले इसका उतारा था, पेंट के ऊपर पेंट? नहीं जी, सारा पेंट उतार के बिल्कुल फ्रेश करके करा था। इसमें कहीं भी पुट्टी नहीं भरी गई है। जहाँ डेंटिंग हुई वहां पर भी इसमें ज्यादा पुट्टी नहीं है। बिल्कुल। इसकी गारंटी है पेंट की, कभी भी पपड़ी नहीं छूटेगी, फूलेगा नहीं। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर में कोई डेंट नहीं है। बिल्कुल जी, नए ट्रैक्टर की तरह है बिल्कुल जी, कहीं कोई डेंट नहीं दिख रहा है जी। ठीक है जी। बाकी अच्छा, मान लो किसी को दूसरा पेंट करवाना है जी, दानेदार पेंट करवाना है, मेटालिक पेंट हो जाएगा? मेटालिक पेंट भी हो जाएगा जी, मेटालिक भी हो जाएगा। इसका पंप भी चेंज किया है आपने ना? जी, पंप डायफ्राम लगाया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्टिकर है जी, तो जो स्टिकर आपने 2014 वाले लगा दिए जी, सभी ओरिजिनल है? जी, सब ओरिजिनल है। ये जो हैंडमेड होते हैं उसमें ये डबल शेड नहीं आता है। अच्छा। ये डबल ट्रिप। बहुत भाइयों की शिकायत रहती है कि ये फोर्ड और फार्म ट्रक के पायदान बेकार होते हैं जी, नीचे होते हैं, तो ये आपने ऊंचे लगा दिए? जी, ऊंचे लगा दिए, 60-55 के लगाए गए। कस्टमर की डिमांड थी कि हमें पायदान चेंज करने हैं। अच्छा। उन्होंने पहले अपने वहां पर दिखाया था, कोई कर नहीं पा रहा था। अच्छा। तो फिर वो जब यहाँ आए, उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा हम कर देंगे, तो इसके 60-55 के पायदान लगाए गए। ब्रेक चेंज है, फिर सिंपल ब्रेक है इसके? ब्रेक इसके साथ के हैं जी, इसमें डिस्क ब्रेक जो आते हैं वही ब्रेक हैं, इसमें फोर्ड वाले नहीं है, इसके फार्म ट्रक वाले ब्रेक आते हैं। डिस्क ब्रेक है जी, डिस्क ब्रेक है। ठीक है जी। बाकी अब बात करेंगे उस साइड ट्रैक्टर में, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो पावर स्टीयरिंग की फिटिंग वगैरह करी है जी, फिटिंग में इतनी सफाई कैसे है सर? सर जी, ये ओरिजिनल ही सामान लगा है। इसमें अगर आप आर्मी डॉल किसी चीज का लगाएंगे या किसी का लगाएंगे तो अच्छा, फिटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती है। अच्छा। इसमें 60-55 का प्रॉपर सामान खरीद के सारा लगाया गया, इसलिए फिटिंग इतनी परफेक्ट। जो ट्रैक्टर है सिंगल क्लच में है? जी, सिंगल क्लच में। अब मान लो किसी को डुअल क्लच करवाना है, डुअल क्लच हो जाएगा? हो जाएगा जी, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उसका जो स्टीयरिंग है ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ये लग रहा है कार वाला स्टीयरिंग लगा दिया जी। इसमें छोटा स्टीयरिंग लगाया, पावर स्टीयरिंग लग गया आप तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए छोटा स्टीयरिंग लगा दिया इसमें। अच्छा जी, मतलब किसान भाई लंबे समय तक ट्रैक्टर चला सकते हैं? आराम से चलाएंगे, थकान महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। बिल्कुल। अच्छा, इसके जो मीटर हैं जी, ये भी चेंज कर दिया? जी, मीटर भी इसमें चेंज कर दिए। इसमें पहले गोल वाले आते हैं। अच्छा। इसकी मीटर की पूरी वायरिंग इसमें ये वाली आती नहीं है, ये सब खुद बना करके लगाई गई है। अच्छा। इसकी रेडीमेड वायरिंग नहीं, पूरी कॉपर में बना करके खुद अपने हाथ से तैयार करके लगाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मीटर भी चेंज कर दिए, स्टीयरिंग भी चेंज कर दिया, ये हैंड प्रेस भी चेंज कर दी जी। अच्छा, सब सामान ओरिजिनल लगा है? जी, सब ओरिजिनल है जी। गियर का टापा भी चेंज है? गियर का टापा भी चेंज है, फार्म ट्रक का है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये डिफर है जी, आजकल फार्म ट्रक का डिफर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जी, सबसे ज्यादा डिफर और लाइट बहुत ट्रेंडिंग में है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओरिजिनल है, मिंडा वाले? ओरिजिनल है जी। ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं भाई, ट्रैक्टर में जितना भी काम हुआ है सभी भैया ने ओरिजिनल किया है। सभी की गारंटी होती है? सभी की गारंटी है, ये ओरिजिनल की फुल गारंटी रहती है हमारी। अच्छा जी। आजकल एक चीज और चल रही है पंजाब में, मैं देख रहा हूँ कि जो काफी किसान भाई है 4600 में पिछला ऐसा 60-55 का लगवा रहा है जी। आपने तो अगले वाला हिस्सा लगवाया है जी, लेकिन काफी लोग पिछले वाला हिस्सा 60-55 का लगवा रहे हैं। हाँ, साइड गियर लगा रहे हैं? हाँ जी। साइड गियर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा सर। यानी कि फोर्ड में आपको 2024 की टेक्निकी मिल जाएगी? पूरी टेक्निकी मिल जाएगी जी, चलाने में फील भी वही आएगा। अच्छा जी, आप इसको स्टार्ट करके चला के देखिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, बात करते हैं टायर के बारे में जी। टायर इसमें कौन से डाले हैं आपने? इसमें 14-28 के हैं। किसी को ये फेंडर जो 24 में आ रहा है नए मॉडल में जी, तो मडगार्ड वो वाले मिल जाएंगे? जी, मिल जाएंगे। जैसे कस्टमर की डिमांड है वैसे काम होगा ना? जैसे डिमांड है वैसा काम होगा। ठीक है जी। अब भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिछला हिस्सा। पिछले हिस्से में आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जी। ठीक है जी। ऑन डिमांड पे है जी, ये भी कस्टमर की डिमांड पे लगाया गया है। ठीक है जी। डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, इसकी जो सीट है, सीट थोड़ी चेंज लग रही है मुझे सर। इसकी सीट चेंज करेगी, जैक हाइड्रोलिक वाली सीट लगी इसमें, स्प्रिंग वाली नहीं, हाइड्रोलिक वाली है। अच्छा जी, काफी कम्फर्टेबल है? बहुत कम्फर्टेबल है, मतलब कार वाली फीलिंग है जी, पूरी थकने का मतलब ही नहीं। या ट्रैक्टर को 100 किलोमीटर ले भाई, इनका एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी लिफ्ट भी चेंज है जी? अच्छा, अब ये जो ट्रैक्टर है सभी काम करेगा? सभी काम करेगा जी, 100 के साथ साथ खेती भी करेगा, पूरी खेत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये छतरी है जी, छतरी कौन सी कंपनी लगाते हैं? छतरी हम बबलू कल्सी की लगाते हैं, हम दूसरी किसी कंपनी की लगाते नहीं है। अच्छा। हाँ जी। इसके सिवा जी? ठीक है जी। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है पेंट होने से पहले कैसा था सर?
पेंट होने से पहले बिल्कुल ही जगह जगह जंग लगा हुआ, बहुत ही मतलब बुरी हालत में ट्रैक्टर था जी। अच्छा। मतलब देखने में ये नहीं लग रहा था कि ये ट्रैक्टर चलता भी होगा। इसमें सर जी इंजन और गियर को छोड़ के अच्छा। सारा ही काम हुआ है, चाहे वो वायरिंग का है, चाहे लाइटों का है, पंप का है, हिस्से का है, क्लच का है, छाते का, सब कुछ ही हुआ है। इंजन और गियर इसका पुराना, बाकी सब कुछ हुआ है। जहाँ शो पुरानी है उसको डेंटिंग करके पेंट करा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मान लो जो किसान भाई आसपास से देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि यूपी उत्तराखंड वाले किसान भाइयों को पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बात सच है। बिल्कुल सच है जी, कोई जरूरत ही नहीं है। पंजाब में आप अगर लेके जाते हो ट्रैक्टर को पेंट करने के 1,00,000 रुपए मांग लिए जाते हैं। 1,00,000 रुपए जी? आप तो देखे भी होंगे, आपने सुना भी होगा, वहाँ पेंट करने के 1,00,000 मांग लेते हैं। यहाँ तो 2,500-3,00,000 में हम ट्रैक्टर नया बना के दे देंगे, खत्म इंजन वाला ट्रैक्टर ले आओ। ट्रैक्टर में सर जी जो अभी खर्चा हुआ इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा मान लो किसी के पास बिल्कुल कबाड़ ट्रैक्टर है, फोर्ड मान लो जी, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड फोर्ड होता है जी, फिर 59,000 होता है। हाँ जी। तो अगर किसी के पास फोर्ड ट्रैक्टर है, फुल मॉडिफिकेशन करवाना है A to Z, कितना खर्चा बैठ जाता है वैसे उसमें? अगर सब चारों टायर वगैरह सब कुछ A to Z काम हो रहा है, अगर उसमें टायर वगैरह भी डालने हैं, सब कुछ करना है, बिल्कुल ही खत्म ही ट्रैक्टर है कि कबाड़े में तो लाने की नौबत आ गई लेकिन बंदा बेचना नहीं चाह रहा है जी। तो जी 3 से 3.5 लाख में ट्रैक्टर बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाएगा। आप 2024 के मुकाबले खड़ा कर लीजिएगा ट्रैक्टर को, सभी काम करेगा, सभी काम करेगा। ठीक है जी। तो एक बार आप अपना एड्रेस बताओ, दुकान कहाँ पे है आपकी? हमारी दुकान सितारगंज में है, अमरिया चौराहे पे, मंडी गेट पे है। अच्छा। अमरिया रोड पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी संधू आर्ट्स एंड मॉडिफिकेशन के नाम से। आप अकेले तरह करते हो ट्रैक्टर? नहीं जी, हम टीम है हमारी पूरी, बाकी ज्यादातर भाई साहब बैठते हैं दुकान पे। हमें तो फील्ड का काम ज्यादा रहता है, बाहर अंदर जाना, कभी ट्रैक्टर का सामान लेके आना है, कभी कोई काम है, भाई साहब ज्यादा मिलते हैं हमें शॉप पे। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने बात करी, चलो भाई साहब ये तो हो गए, वैसे कितने लोग काम करते हैं टीम में? वैसे जी सब अलग अलग है, डेंटर अलग है, पेंटर अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, मिस्त्री अलग है, एक ही बंदा तो सारे काम नहीं कर पाता है। सब बंदे हर चीज की, हर फील्ड का बंदा अलग है इसमें। अच्छा, अब मान लो कोई किसान वीडियो देख के अगर ऑर्डर करता है जी, तो कुछ एडवांस वगैरह देना पड़ता है सर? हाँ, अगर उसने काम करवाना है तो डेट तो बुक करवानी पड़ेगी सर। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा अगर मान लो कोई दूर से बंदा देख रहा है तो दूर वाले लोग क्या करेंगे? दूर वाले फोन पे बात करके हमारे से टाइम बता करके आ सकते हैं। ये भी ट्रैक्टर बहुत दूर से आया, 150 किलोमीटर से आया सर जी ये भी ट्रैक्टर। अच्छा जी, ठीक है जी। वीडियो देख के आया था, ऐसे आया था? ये वीडियो देख के आए थे, हमने एक फोर्ड 3600 करा था और 4511 करा था। अच्छा। उसकी वीडियो देख के ये आए थे हमारे पास ट्रैक्टर लेके, पहले बात करके गए फिर ट्रैक्टर छोड़ के गए तीसरे दिन। बिल्कुल। अच्छा इस ट्रैक्टर की कुछ गारंटी है वैसे? सर जी जितना हमने काम करा है उसकी गारंटी, जैसे नए की आती है उतनी हम गारंटी देंगे, जो काम हमने करा है, जो काम हमने नहीं करा उसकी हम नहीं गारंटी दे सकते। जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप तो ट्रैक्टर मॉडिफाई कराना चाहते हैं जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हम ये कहना चाहेंगे जी एक बार हमें सेवा का मौका दें। अच्छा। क्वालिटी देंगे हम काम की तो हम एक हाथ जोड़ के बेनती करेंगे, अगर काम करवाना है तो लोकल ना करवाइएगा, जुगाड़ ना करवाइए, काम करवाना है आप ओरिजिनल करवाइए, एक बार आइए आप हमारा करा हुआ काम देख सकते हैं, जहाँ आपका हम काम करेंगे आप हमें तब बता सकते हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको फार्म ट्रक 50 1997 मॉडल ट्रैक्टर दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसे भी ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाना है तो मैं आपको भैया का नंबर भी दे दूंगा और आधी कीमत में आपका ट्रैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय किसान।